अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग बात करते हैं सर्जिकल न्यूट्रिशन की और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको इंटेग्रल न्यूट्रिशन के बारे में बताया था थोड़ा सा। उसके बारे में जो अगली बात होती है वो ये कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि उसमें एक ओरल या सब फीडिंग का तरीका होता है। उसमें बस आपने ये बात याद रखनी है जो उसके एमसीक्यू में आती है कि इसमें तकरीबन आपकी जो सिर्फ फीडिंग वाली ये सप्लीमेंट्री सिर्फ फीड्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बनी बनाए मिलते हैं जिसमें उन्होंने काफी सारी कैलोरीज ऐड की होती हैं। ये तकरीबन आपको एक जो 200 ml की फीड है ना, मतलब अगर आप 200 ml भी उसका ले लें जो बहुत थोड़ा सा है, उससे भी आपको 200 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं अलोंग विद दैट 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है तो आपने याद रखना है कि सिर्फ फीड का 200 ml में 200 किलो कैलोरीज विद 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल जाता है, विच इज क्वाइट गुड। अच्छा, उसके बाद जो आपकी ये एनजी फीड है, एनजी फीडिंग के बारे में आपने याद ये रखना होता है कि इसकी जो फीडिंग ट्यूब डालने का प्रोटोकॉल है कि आपने पेशेंट को ट्यूब डालने के बाद पोजीशन को कंफर्म करना होता है, उसको वॉश करना होता है और फिर देखना होता है कि पेशेंट का जो खाना है, मतलब जो आप फीड डाल रहे हैं, क्योंकि ये नोज से आप डालते हैं, आपने देखी होगी एनजी ट्यूब मोस्ट प्रॉब्ली, और स्टमक तक जाती है, तो वो खाना आगे भी जाना चाहिए। अगर उसका सपोज आपको फील होता है कि खाना आगे नहीं जा रहा हो, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टमक पे वाली जगह पे पेशेंट के स्वेलिंग होने लग जाएगी, जरा डिस्टेंशन होने लग जाएगी उसके एब्डोमेन की, तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने उसी एनजी ट्यूब से सारा का सारा दोबारा से रीएस्पिरेट करना होता है। और अगर जब आप दोबारा से रीएस्पिरेट करें तो 150 ml से ज्यादा आए अगर जो उसका रीएस्पिरेट वाला, इसका मतलब है कि उसका फूड आगे नहीं जा रहा, तो फिर आप 2 घंटे के लिए रुक जाते हैं और एनजी फीड नहीं देते, 2 घंटे बाद दोबारा देते हैं। अगर 2 घंटे बाद दोबारा दी आपने तब भी ज्यादा आ रहे, इसका मतलब है कि आगे कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है कहीं पे, तो फिर आप डॉक्टर जब तक मतलब खुद सही से असेस ना कर लें तब तक आप दोबारा कंटिन्यू नहीं करते, ये इसके बारे में याद रखनी है। फिर जो ट्यूब गैस्ट्रोस्टोमी है, जिसमें आपको बताया कि ट्यूब आप बाहर से लगा देते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो पूरा आप सर्जिकल प्रोसीजर यानी खोल के पूरी सर्जरी करके और ट्यूब डायरेक्टली स्टमक में लगाई, या फिर एक होता है कि आप परकिटेनियसली यानी स्किन पे इंसिजन हल्की सी देके और उसी तरह से लगा देते, लेकिन पूरा ओपन नहीं करते। जिस भी तरीके से करें, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सके, तो जो आपके स्किन का भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है नेक्रोटाइजिंग फेशियटिस, या ब्लड का जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है विच इज सेप्सिस, दोनों ही लीथल इन्फेक्शन है, वो इसकी वजह से हो सकते हैं। जो 6 वीक्स से कम का टाइम होता है फीडिंग का उसमें हम एनजी देते हैं, लेकिन अगर 6 वीक्स से ज्यादा का टाइम है, सपोज एक बंदा जिसकी हमने रिजेक्शन कर दी है, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन या लार्ज इंटेस्टिन कर दी है और उसको हमने खाना देना है, और इस तरह से है कुछ सिलसिला के कंप्लीट रिजेक्शन में तो है गैस्ट्रोस्टोमी नहीं होती, कोई ऐसा था ऊपर से, हाँ जिसके सपोज इसोफेगस कम्प्लीटली निकाल दी गई है बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा और नीचे सब कुछ ठीक है, तो फिर उसको आपने सारी जिंदगी के लिए कोई ना कोई इंटेरल फीडिंग देनी है जो कि आपकी इस किस्म की होगी, तो फिर उसमें आप फिर ट्यूब गैस्ट्रोस्टोमी को लगाते हैं जो कि 6 वीक्स से ज्यादा के टाइम के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो इंटरनल न्यूट्रिशन के बाकी जो मतलब एनजी फीडिंग या ट्यूब गैस्ट्रोस्टोमी वगैरह के जो फॉर्मुलाज होते हैं, उसमें आपने याद रखने के 2 मेजर चीजें के नाम आप याद रखेंगे। एक होती है आपकी पॉलीमेरिक लिक्विड डाइट्स, ठीक है, ये इसलिए कह रही हूँ ये भी आपके एमसीक्यू का और एक दफा एसीयू का भी आया है, पॉलीमेरिक लिक्विड डाइट्स होती है, और एक होती है इंटरनल फीड्स, ठीक है, सॉरी एलिमेंटल डाइट्स जिनको हम कहते हैं, इंटरनल फीड्स क्यों कहेंगे। अच्छा, तो होता क्या है कि ये जो पॉलीमेरिक लिक्विड डाइट्स है ना, इसमें उन्होंने किया होता है कि हर चीज को थोड़ा सा प्री डाइजेस्टेड लेस डाइजेस्टेड फॉर्म में रखा होता है, मतलब प्रोटीन्स जो है वो शॉर्ट पेप्टाइड्स की फॉर्म में होंगे, जो आपके नॉर्मल कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको इन्होंने जरा सिंपल पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में किया हुआ होता है, और जो आपके फैट्स होते हैं उनको सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में किया होता है, इस तरह की फॉर्म में उन्होंने लिक्विड सा एक बनाया होता है, लेकिन इसको जब आप पेशेंट को दे रहे होंगे तो वो डाइजेस्ट करने के लिए पेशेंट की किसी हद ना किसी हद तक डाइजेस्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये फुली डाइजेस्टेड फॉर्म में नहीं है, ये पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो पॉलीमेरिक लिक्विड डाइट्स आप उन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी अपनी डाइजेस्टिंग एबिलिटी होती है किसी हद तक, ताकि वो इनको डाइजेस्ट कर सकें। जो ये आपकी एलिमेंटल डाइट्स होती है ना, इसमें इन्होंने टोटल डाइजेस्टेड फॉर्म दी हुई होती है हर चीज की, मतलब पूरी पूरी, इसमें वो वाले पेशेंट जिनकी अपनी कोई डाइजेस्टिंग एबिलिटी नहीं भी है उनको ये आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, एलिमेंटल डाइट्स के बारे में आपने याद रखना है। अच्छा, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ इंटरनल न्यूट्रिशन, तो मेरिट्स में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बातें लिखनी है वो ये कि इट इज चीपर देन टीपीएन, ठीक है, आपका टोटल पार इंटरनल से चीपर है जाहिर है, इसमें हमें किसी आईवी एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इसमें टीपीएन के मुकाबले में थोड़े कम है, और पेशेंट की गट एट्रोफी होने से बच जाती है, आपको पता है कि हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा जब इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, तो यहां पर फायदा यह कि अगर आप गट को इस्तेमाल में रखेंगे तो उससे गट की एट्रोफी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसके 4 बड़े फायदे हैं, और इसके जो डी मेरिट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो डी मेरिट वो यही है कि इसकी वजह से फिस्टुला बन सकता है, फिस्टुला के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं,
और सेकेंडली इट इज ऑफकोर्स ये बात है कि कॉम्प्लिकेशन इसकी है जो बहुत सारी वो भी इसके डिमेरिट्स में आती है। अच्छा कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या है, बुक जो डोगर कहती है उसने दो में क्लासिफाई किया है कि कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द फीडिंग ट्यूब एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द फीडिंग रेजिमेन। अगर आप इसी को चार में डिवाइड कर दें तो आपकी बेले वाली बात हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसी को हमने लिखा हुआ वही सारी बातें सिर्फ एक दो में डिवाइड करके लिखते हैं। मैं आपको बता दें किस तरह से फीडिंग ट्यूब से रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं कि ट्यूब में कोई भी मसला हो गया, ट्यूब में क्या मसला हो गया, ट्यूब की मैल पोजिशनिंग होगी, ठीक है, ट्यूब ब्रेक हो गई, ट्यूब लीक हो गई, हमने जो भी ट्यूब डाली है चाहे वो गैस्ट्रोस्टमी है चाहे वो एनजी ट्यूब है, ठीक है, या ट्यूब ने इरोजन कर दी स्किन की और म्यूकोजा की, तो ये आपकी सारी बिल्कुल सिंपल सी ना साफ साफ नजर आते कि प्रॉब्लम होंगी। और फिर आपकी आ जाती है अगर आप दूसरी क्लासिफाई करें साथ की, अब एक तो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू फीडिंग ट्यूब, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू जीआई ट्रैक, ठीक है। उन्होंने जो डोगर ने वो फीडिंग ट्यूब में ये बात लिखी भी, आप अगर दूसरी हेडिंग बना देंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीआई ट्रैक तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो क्या है, आप जीआई ट्रैक में डाल रहे हैं ना सब कुछ, तो जीआई ट्रैक में सबसे पहली बात इन्फेक्शन हो सकता है जाहिर है, जीआई ट्रैक में परफोरेशन हो सकती है, जीआई ट्रैक में फिस्टुला बन सकता है, एब्सेस बन सकती है, जीआई ट्रैक ही ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, तो ये सारी बातें लिख दें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, सारी अपने से लिखने वाली बातें, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फिस्टुला बन गई, इन्फेक्शन हो गया, एब्सेस बन गई, ये सारी बातें हैं। फिर तीसरी आप लिखेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फीडिंग रेजिमेन, अब फीडिंग रेजिमेन आपने कोई ऐसा दिया जो पेशेंट से बर्दाश्त नहीं हुआ, या तो वो आपका प्री डाइजेस्टेड नहीं था सही से पूरा का पूरा, या फिर वो ऐसा था कि उसने पेशेंट को डायरिया कर दिया, तो ये सारी बातें फीडिंग रेजिमेन से हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं, पेशेंट को फीड इनटॉलरेंट डायरिया बहुत कॉमन है कि जो बंदे वो टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है, वो डायरिया हो जाएगा उनको, या ब्लॉटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, इस किस्म के फीचर्स आ जाते हैं। फिर होते हैं कि आपने जो दिया था आपने उसमें सही से हर चीज को एडजस्ट करके नहीं दिया, पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होगी, यानी जैसे हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया दोनों चीजें हो सकती हैं अगर आपने सही एडजस्ट नहीं किया, ये हो गया। फिर आपका तीसरी चीज हो सकती है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है, मैंने वही बताया कि आपका हाइपर हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो हाइपर केलीमिया आपने इसे एडजस्ट करके नहीं देंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी तीसरी हेडिंग, ठीक है, पहली फीडिंग ट्यूब की थी, दूसरी जीआई ट्रैक की आ गई, तीसरी आपने फीडिंग रेजिमेन नहीं कर दी, चौथी हेडिंग जो आप यहाँ पर बना देंगे वो होगी कि इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन, जिसमें आप लिखेंगे कि इन्फेक्शन ऑफ द कैथेटर और इन्फेक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक, तो इस तरह की चार हेडिंग्स बन जाएगी, तो कॉम्प्लिकेशन का सवाल जो आपका आता है उसका नंबर आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली चार नंबर का सवाल होता है, उसके अंदर आपने बातें लिखनी, तो ये आपकी इंटरनल न्यूट्रिशन इधर आके खत्म हो जाती है। इसके बाद आपकी शुरू हो जाती है पारेंटल न्यूट्रिशन। पारेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी वो न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें हमने सारी की सारी जो न्यूट्रिशन है वो जीआई ट्रैक के बजाय पेशेंट को उसकी वीनस एक्सेस के थ्रू पहुंचानी है, उसको हम कहते हैं टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन। तो टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि रूट्स क्या क्या होते हैं, तो इसके दो रूट्स हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपने लिखने होते हैं कि पेरिफेरल लाइंस हो सकती हैं इसमें, मतलब पेरिफेरल वेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या सेंट्रल वेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिफेरल में जो मोस्ट प्रॉब्लम हम इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा कि बाजू की वेन्स इस्तेमाल की जाती है सबसे कॉमनली, तो आपने लिखना है कि या तो बेसिलिक वेन होती है या केफेलिक वेन होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बाजू की आर्म की थोड़ी बड़ी वाली वेन्स है, ऐसी है जिनमें आप इजिली वीनस एक्सेस दे सकते हैं, ये फोर आर्म में बेसिकली होती है, बेसिलिक और केफेलिक, तो पेरिफेरल में ज्यादातर ये यूज की जाती है। जब सेंट्रल वेन्स की बात आती है तो इसमें आपको पता है कि इंटरनल जगुलर वेन आ जाती है, एक्सटर्नल जगुलर वेन आ जाती है, या फिर आपकी सबक्लेवियन वेन्स आती हैं, तो ये आपकी सेंट्रल वेन्स होती हैं, तो ये आपने लिखना होता है जब आप किसी पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ पारेंटल न्यूट्रिशन, तो आपने ये सारी बातें लिखनी है, ये डोगर में नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। उसके बाद आ गई इसकी इंडिकेशन, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन को याद रखने के लिए मैंने याद रखा होता फिस्को, ठीक है, यहां लिख देती हूँ इधर, फिस्को स्टैंड फॉर के गट के क्या क्या मसले हैं कि हमने गट इज फिस्टुलेटेड, गट इज इन्फेक्टेड, गट इज शॉर्ट, गट इज गट कैन नॉट कोप, ठीक है, कैन नॉट कोप का मतलब होता है आईडीएस है उसमें, एंड गट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो ये फिस्को है, इसकी जो पांच इंडिकेशंस हैं कि अगर ये सारी चीजें गट के साथ है तो हम टोटल पारेंटल देते हैं पेशेंट को, गट वाली नहीं दे सकते, ठीक है, फिस्टुला बन गए, इन्फेक्शन हो गया, कोई शॉर्ट है गट शॉर्ट होने का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा रिजेक्शन कर दी हमने गट की, या वो आईडीएस हुआ है उसमें, तो हमने ये देनी है, ठीक है। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप वो लिखेंगे जिसमें आपकी कोई सर्कुलेटरी इश्यू होता है या कोई आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस टाइप इश्यू होता है, उसमें आप टीपीएन नहीं देते। क्या चीजें, सबसे पहली चीज है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर सीसीएफ, इसमें आप पेशेंट को डायरेक्टली वेन्स में वॉल्यूम ओवरलोड नहीं दे सकते सीसीएफ के पेशेंट में, तो ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड डिस्क्रेजिया, जितनी भी ब्लड की एबनॉर्मेलिटीज आती है हेमाटोलॉजी में आप पढ़ते हैं, उसमें भी आप ये चीज नहीं दे सकते, वो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फिर आगे आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, उनमें भी आपके पेशेंट की इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है, या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, ये उसकी होगी कॉन्ट्राइंडिकेशन, बुक में लिखी हुई एज इट इज, कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं।
इसके बाद आता है कि आपने जब भी एक इसमें एमसीक्यू की वाली बात आती है कि जब भी आप टीपीएन देते हैं पेरिफेरल लाइन से, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप फैट बेस्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, फैट बेस्ड फॉर्मूला का फायदा ये होता है कि उसमें एनर्जी ज्यादा मिल जाती है थोड़ी अमाउंट में। मतलब अगर आप फैट का जो सोल्यूशन लेंगे उसको थोड़ी अमाउंट में मिलेंगे तो पेशेंट को ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन अगर आप ग्लूकोज बेस्ड सोल्यूशन लेंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में देंगे तो पेशेंट को ज्यादा कैलोरी मिलेगी। अब हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम ओवरलोड नहीं दे सकते पेशेंट को, इस वजह से हमने पेरिफेरल लाइन से जब भी देना होता है फैट बेस्ड फॉर्मूला देने की कोशिश करी होती है जिसमें फैट के कॉन्टेंट जरा ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह जब आपने सेंट्रल लाइन से देना है तब आप 50% ग्लूकोज दे सकते हैं, तब आपके पास ज्यादा है, लेकिन पेरिफेरल लाइन से आपने 20% से ज्यादा ग्लूकोज एक्सीड नहीं करनी होती। उसके बाद आपने जब देना होता है टीपीएन तो कुछ चीजों का आपने ज़रा ख्याल रखना होता है ताकि कॉम्प्लिकेशन हो। उसमें वही बात है कि आपने स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक देनी है, सिंगल ल्यूमेन वाला कैथेटर इस्तेमाल करना है, उसको सिर्फ टीपीएन के लिए ही रखना है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के अलावा उस कैथेटर से और कुछ भी आपने नहीं देना है, सैंपल नहीं लेते रहना उससे। इसी तरह लिपिड बेस्ड सॉल्यूशन को आपने प्रेफर करना है। आप कोशिश करना है कि अगर आप सेंट्रल वेन में डाल रहे हैं तो आप उसको स्किन के अंदर ही पूरा कर दें, आप बाहर ना रहने दें ताकि इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो। बाद में एक्सरे करके कंफर्म जरूर करते हैं कि वो कहां पर है, और अगर जरूरत पड़े आपको लगता है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का खतरा ज्यादा है तो आप अपनी टीपीएन जो दे रहे हैं उसमें हेपरिन जरूर डाल दें। ठीक है, ताकि साथ एंटी क्लॉटिंग भी चलती रहे, ये आपके कुछ होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट के व्हाट इज द मॉनिटरिंग ऑफ टीपीएन। तो उसमें क्लिनिकल मॉनिटरिंग है एंड बायोकेमिकल मॉनिटरिंग, ये बहुत ज्यादा है। जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। असल में पूरा चैप्टर इन दो चीजों पर बेस करते हैं, इंटरनल और पैरेंटल, फिर उसकी हर चीज क्वेश्चन में आई, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से, और बहुत आसान भी है। तो क्या चीज है इसमें की क्लिनिकल मॉनिटरिंग? क्लिनिकल मॉनिटरिंग में इसकी आ जाती है कि आपने उसकी बेसिक सी वो चीजें देखनी है जो पेशेंट की आपको नजर आती है। मतलब बायोकेमिकल का मतलब होता है कि आप उसके अंदर से जो फ्लूइड्स बेस्ड चीजें हैं उनको मेजर करें, तो क्लिनिकल उसकी नजर आने वाली चीजें होती है। नजर आने वाली क्या चीजें हैं? आप पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो लिखनी होती है चीजें, उसके वाइटल्स आ जाएंगे, पेशेंट का वेट आ जाएगा, जाहिर है आपकी मॉनिटरिंग के उसके हिसाब से ही बढ़ेगा ना वेट उसका। ठीक है, फिर कैथेटर की एंट्री साइट आ जाएगी, फीडिंग लाइन एंड फ्लूइड बैलेंस कैसा है पेशेंट का, एंट्री साइट कैथेटर फ्लूइड बैलेंस और कोई एक चीज आ गई। ठीक है, तो ये आगे होती है क्लिनिकल मॉनिटरिंग, ये पांच बातें। अब जो बायोकेमिकल मॉनिटरिंग है ना, ये भी बेसिकली आपका सारा का सारा रट्टा ही है कि बायोकेमिकल में आपने कौन सी चीजें डेली बेसिस पे चेक करने, कौन से टेस्ट आपके वीकली हैं और कौन से मंथली होने हैं। इसमें कोई मुश्किल बात अगेन नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत जनरल नॉलेज ये कहती है कि ये बातें डेली होनी चाहिए और ये वीकली होनी चाहिए, इस वजह से इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अब डेली क्या होना चाहिए, आप खुद सोचें कि आप एक पेशेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हर जगह पर जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं नहीं करते हैं, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ग्लूकोज सोडियम पोटेशियम इनको लेना ही लेना होता है। मतलब हम हमेशा ये बात करते हैं ग्लूकोज हो गया, हाइपरनेट्रीमिया हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया, हमने बार बार कभी जिंक की बहुत मॉलिब्डेनम की बात तो नहीं की। तो यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि डेली मॉनिटरिंग में हमारी ये चीजें आती है। ठीक है, ये आप रट्टा उस तरह से निमोनिक्स बना के लगाएंगे ना तो फजूल में भूल जाएंगे, क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बात है कि आपको ये चीज डेली करनी करनी है। आपने डेली ग्लूकोज चेक करना है, सोडियम चेक करना है, उसके अलावा आपने पोटेशियम चेक करना है, ये तो आपने भूलना है ही नहीं है, तो ही आपकी बेसिक चीजें। उसके अलावा जाहिर है आप जब एक टीपीएन चीज सर्कुलेशन में देना तो सबसे पहले इफेक्ट होती है किडनी, तो किडनी के लिए आपने यूरिया क्रिएटिनिन जरूर रोजाना चेक करना है। ठीक है, कि किडनी का स्टेटस भी पता चलता रहे कि क्या है। ये आपकी डेली मॉनिटरिंग आ जाती है। वीकली मॉनिटरिंग में आपकी वो चीजें आती हैं जिनको हम इनके बाद अक्सर लेते होते हैं, जिसमें आपकी फिर से ये भी बता दें जनरल नॉलेज से आप दो दफा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कि आप पेशेंट की हर वीक में कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, आप पेशेंट के एलएफटीज कराएंगे। ठीक है, आरएफटीज तो हम रोजाना ही कर रहे हैं, ये यूरिया क्रिएटिनिन से आरएफटीज हो ही जाते हैं, और फिर आपने वो वाले आयंस चेक करने हैं जो हम सोडियम पोटेशियम के अलावा लेते हैं, और वो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस। ठीक है, ये तीन होते हैं। तो ये आपकी बहुत ही बेसिक सी बात आ गई कि इधर आपने सोडियम पोटेशियम कर लिया, इधर आपने कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस कर लिया। फिर मंथली पे क्या रह जाते हैं? मंथली पे बहुत ही अननोन से जो आपकी चीजें हैं ना, जो आपने कभी भी नहीं करनी होती, वो मंथली में आपने लिख देनी है। ठीक है, अब वो अननोन सी में आ जाती है जिंक, जिस तरह अभी मैंने बोला था कॉपर आ जाता है, सिलेनियम आता है, और आपके यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये वो चीजें जो आपने अक्सर कभी भी शायद ना पढ़ी हो कि इनको करना होता है, इस वजह से इनको जरा आपने वैसे ही याद कर लेना कि भाई वो जिंक शिंक जो होता था, जिंक कॉपर सेलेनियम, वो यहाँ करना है। तो बस बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा से एक दफा देख लेते हैं, सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज यूरिया क्रिएटिनिन आ जाता है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर एलएफटीज है, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस है, और इधर अननोन से जिंक कॉपर और सेलेनियम शिलेनियम है। ये होगी आपकी मॉनिटरिंग का सवाल, जो बहुत ही ज्यादा गेन आता होता है, इसको भी आपने याद रखना है। और आखिर में आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीपीएन। ठीक है,
तो कॉम्प्लिकेशंस में भी जिस तरह से हमने उसी तरह क्लासिफाई किया हुआ कि फीडिंग कैथेटर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो हम फीड दे रहे हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रीफिटिंग सिंड्रोम, ये बातें अगर आप एक दो दफा पढ़े ना आपको बिल्कुल उसी तरह से याद हो जाएंगे, बिकॉज इनमें सिंपली वही जनरल नॉलेज अप्लाई करने वाली बात आ जाती है कि फीडिंग कैथेटर जाहिर सी बात है आपने इंसर्ट किए, इंसर्शन के टाइम पे आपसे कोई ना कोई मसला हो गया, या तो आपने सही से इंसर्ट नहीं किया, या आपने स्ट्रिक्ट एसेप्सिस को फॉलो नहीं किया, या आपने कोई आसपास की चीज परफोरेट कर दी। तो ये चार बातें अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आप खुद ही लिख सकते हैं आपके जो आसपास चीज आती है ना कैथेटर की, आप उसे फाड़ दें, मतलब कॉम्प्लिकेशन लिखते हुए, असल में नहीं फाड़ना, मैं लिखने की बात बता रही हूँ आपको किस तरह से। अगर इंसर्शन की बात करेंगे, सपोज आप ज्यादातर पेरिफेरल वेन में इंसर्शन की इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि पेरिफेरल वेन में अगर आपने कहीं आसपास कर भी दिया है तो थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होगा ना, सेंट्रल वेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले आपने ये सेप्सिस नहीं किया तो आप इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद आपने अगर आप सेंट्रल वेन पे आ जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी गलत इंसर्ट किया तो वहां पर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आप लंग के पेरेन्काइमा को या प्लूरा को डैमेज कर सकते हैं, आप हार्ट के पेरिकार्डियम को डैमेज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करते हैं, लंग की बात करेंगे तो आप निमोथोरेक्स कर सकते हैं, हीमोथोरेक्स हो सकते हैं, यानी फ्लूड एयर इन द प्लूरल कैविटी, ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। उसके अलावा फेलियर टू कैन्युलेट सिंपल, अगर आपने कार्डिक कर दिया तो आप कार्डिक टेम्पोनेट कर सकते हैं, ठीक है, कार्डिक इफ्यूजन हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है आपने किसी आर्टरी को पंक्चर कर दें, अगर ये और गलत आपने किया तो आपने नर्व को डैमेज कर दिया तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी आप कर सकते हैं, कि ब्रेकियल प्लेक्सस उधर ही पड़ा होता है, ठीक है। कोई आप थ्रेसिक डक्ट इंजरी कर दें वो भी वहीं पर पड़ी होती है। तो ये सारी चीजें वो है जो कि आपकी सेंट्रल वीनस के थ्रेड जब आप डालते हैं तो उसके आसपास पड़ी होती है, इसलिए सीवीपी आम बंदा नहीं डाल सकता। आपने देखा है जो आपकी पेरिफेरल लाइन है वो नर्स भी डाल लेती है, सीवीपी ट्रेन्ड डॉक्टर्स डालते हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स भी नहीं डाल सकते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर है रिलेटिंग टू, ये तो इंसर्शन हो गए थे, जो केयर ऑफ द कैथेटर, केयर ऑफ द कैथेटर में आपने उसके इन्फेक्शन का ख्याल रखना होता है, आपने देखना होता है कि उसके आसपास स्वेलिंग तो नहीं हो रही, कोई एटिलेक्टेसिस तो डेवलप उसकी वजह से, सॉरी एटिलेक्टेसिस का तो पता नहीं चलता, तो लंग में होता है, देखना होता है कोई आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसकी वजह से तो डेवलप नहीं हो रहा, कोई हार्ट में मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के सारे अपने सिम्टम्स है, लेकिन कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन कैन कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो आपके जहन में होगा तो आप उसको ख्याल रखेंगे। तो ये सारी बातें हो जाती हैं जो कैथेटर से रिलेटेड है। फिर फीडिंग रेजिमेन है, फीडिंग रेजिमेन में आप सिंपली ये करें कि देखिए जो कुछ आपने फीडिंग रेजिमेन से देना है वही सब कुछ है पेशेंट के लिए, हर चीज ज्यादा भी हो सकती है, हर चीज कम भी हो सकती है, तो ये बस आपने लिखना है। अब ज्यादा या कम किस तरह से देखें, सबसे पहले ग्लूकोज से शुरू करते हैं एंड वाटर से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हाइपर एंड हाइपो दोनों आप लिखेंगे, ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा भी हो सकती है, ग्लूकोज कम भी हो सकती है। उसके बाद आप लिखेंगे कि अगर आपने हाइपर और स्मॉलर सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिए, यानी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी वाले, तो पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो जाएंगे, फ्लूइड कम हो जाएगा, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा। अगर आपने हाइपो और स्मॉलर सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिए तो पेशेंट ओवरहाइड्रेट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ग्लूकोज की बात कर ली, फिर आपने वाटर की बात कर ली, उसके बाद आप आ जाएं इसके उस पे इलेक्ट्रोलाइट्स पे एंड कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर आप ज्यादा ही करते हैं, इस वजह से आप लिखते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कम तो तकरीबन कभी भी नहीं होता, हाइपो कोलेस्ट्रोलीमिया कभी भी नहीं होता, हाइपर ही होता, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे, इलेक्ट्रोलाइट्स में आप लिखें कि आप पोटेशियम को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, सोडियम को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियम तकरीबन हमेशा ही ज्यादा ही हो रहा होता है एंड फॉस्फेट हमेशा कम हो रहा होता है। द रीजन इज कि जो आप टीपीएन सॉल्यूशंस देते हैं उसमें कैल्शियम हमेशा होता है और फॉस्फेट तकरीबन नहीं होता, और जब आप उसकी एक और भी रीजन है मैं आगे आपको बताती हूँ, जब मैं आपको रीफीडिंग सिंड्रोम बताऊंगी उसकी वजह से भी फॉस्फोरस कम हो जाता है, ठीक है, तो इससे कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, फॉस्फोरस कम हो जाता है। और फिर आपके लिखना है आपने कि कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जैसे जिंक, सेलेनियम, कॉपर, इनकी डेफिशिएंसी अक्सर हो जाती है अगर ये टीपीएन सॉल्यूशंस में नहीं है, तो ये हो गए। पेशेंट के एलएफटीज डिरेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब ये रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब पेशेंट इतने अरसे से किसी मसले में था या फिर उसको हमने कोई न्यूट्रिशन या डाइट नहीं दी हुई थी तो उसकी सारी बॉडी आपको पता है कि फैट मेटाबॉलिज्म पे रिलाई कर रही होती है। एक बंदा जो काफी अरसे से मैल नरिश्ड होता है और या किसी भी मसले में अगर होता है तो आपको पता है कि उसकी ग्लूकोज वाली बायस तो नहीं होती है, ग्लूकोज तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो फिर बॉडी किस पे रिलाई करती है, फैट मेटाबॉलिज्म पे, फैट को डाइजेस्ट करती है। फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से उसका जो सारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है वो अलग तरह का होता है। अगर आप उसे टीपीएन देते हैं, टीपीएन में आप ग्लूकोज देते हैं, एकदम से उसकी बॉडी फैट से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट होती है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले सारे रास्ते एक्टिवेट होते हैं। इन रास्तों में अगर आपको याद हो जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के रास्ते थे, इनमें फॉस्फोरस बड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है और इनके रिजल्ट में एटीपी बन रही होती है।
अब बॉडी में फॉस्फोरस तो हम दे ही नहीं रहे सही से, थोड़ा बहुत दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि एकदम से पहली बात जब बॉडी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट हुई, एनाबॉलिक शिफ्ट होगी बॉडी की, तो उसकी वजह से फॉस्फोरस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया। फॉस्फोरस इस्तेमाल एकदम से ज्यादा हो गया तो एटीपी के बनाने के लिए तो हमें फॉस्फोरस मिला ही नहीं, ठीक है। फॉस्फोरस तो इस ग्लूकोज के पाथवेज में इस्तेमाल हो गया, एटीपी के लिए हमें बहुत थोड़ा ग्लूकोज बचा। जब इस तरह से ग्लूकोज नहीं बचता तो बेशक एकदम से हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया के तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके फीचर्स आते हैं एरिथमियाज, लिवर डिस्फंक्शन, सीजर्स, कोमा, टेटनस, इस किस्म के ना पेशेंट के जो टेटनी ऑफ द मसल है उसकी बात करी उस तरह के फीचर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। जो इंडिकेटर होते हैं कि पेशेंट को फॉस्फोरस की कमी हो रही है, जिसकी वजह से जब फॉस्फोरस कम होगा एटीपी कम होगा, एटीपी कम होगा तो एनर्जी नहीं है, तो हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं है, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं है तो बीपी लो हो गया, तो ये सारे एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको रीफिलिंग सिंड्रोम कहते हैं। और इसको प्रिवेंट करने का ये एक ही एक तरीका होता है कि आपने जब टीपीएन स्टार्ट करनी है तो स्लो स्टार्ट करनी है एंड फॉस्फोरस के साथ स्टार्ट करनी है, मतलब आप शुरू में फॉस्फोरस देंगे पेशेंट को ताकि ये वाली डिफिशियंसी ना हो। तो ये एक बात है यहाँ पर जो आप याद रखेंगे, बाकी यहाँ पर और कोई ऐसी खास बात नहीं जो करने वाली हो, बस अपने जहन में रखने सब कुछ। किसी को मसला अभी तक यू कैन आस्क मी, थैंक यू।